हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर दौरा बीच में छोड़कर जयपुर पहुंचे गहलोत बोले, पूरे षड्यंत्र का पता लगाएंगे। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या के बाद राजस्थान में उपजे हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर का अपना 3 दिवसीय दौरा बीच में छोड़कर जयपुर पहुंच गए हैं। सीएम गहलोत जयपुर में उच्च अधिकारियों के साथ प्रदेश के मौजूदा हालात को लेकर अहम बैठक ले रहे हैं। जोधपुर से रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से मुखातिब हुए इस पूरी घटना को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि SIT इस मामले की तह तक जाएगी। शाम तक सर्वदलीय बैठक भी संभावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटना किसी साजिश के तहत की जाती है, इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी जुटाकर संपूर्ण घटना के बारे में एलिमेंट्स का पता लगाया जाए। घटना को लेकर नेटवर्क की पूरी जांच में टीम जुट गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमलावरों का क्या प्लान था, क्या षड्यंत्र था, किससे लिंक थे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसे व्यक्ति है क्या जिससे उनका लिंक है, तमाम बातों का खुलासा होगा। उन्होंने कहा कि वे पूरी घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। गहलोत बोले, यह कोई मामूली घटना नहीं है। गहलोत ने कहा कि यह घटना कोई मामूली नहीं है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेडिकल एलिमेंट्स के लिंक के बिना ऐसी घटना हो नहीं सकती। उसी रूप में जांच पड़ताल शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने शांत और सौहार्द्र की अपील करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों की टीम उदयपुर पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़े सभी पहलुओं को इस मुद्दे पर जांचा जाएगा। 3 दिन का दौरा बीच में किया निरस्त उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के 3 दिवसीय दौरे पर थे। यहां उन्हें बुधवार को कई कार्यक्रमों के शिरकत करनी थी। सीएम गहलोत मंगलवार को शाम जोधपुर पहुंचे थे, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए वे सभी कार्यक्रमों निरस्त का जयपुर रवाना हो गए। उदयपुर मर्डर केस के बाद प्रदेश में लोगों के आक्रोश व्याप्त है। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रदेश की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।